हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें करता है, तो ये रीडिंग इस टॉपिक पर रहने वाली है। आज की इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी से वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं और थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में थर्ड पार्टी से क्या बातें कर रहे थे। ओके व्यूअर्स, तो रीडिंग इसी टॉपिक पर है, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर जो जोड़ी साइन नज़र आ रहे हैं वह हैं मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी के भी साइन हो। तो ये जो रीडिंग है ना, ये पूरी तरह से जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोड़ी साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। यहाँ पर हमारे पास ना फर्स्ट कार्ड ही 3 ऑफ कप्स का है। आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आपके आपके पर्सन के बीच में है और ये थर्ड पार्टी ना कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ हमारे पास ना द डेविल का कार्ड भी है। तो कोई तो है एक ऐसा इंसान जो आप दोनों के रिश्ते पर नज़र लगाए बैठा है। आपके पर्सन को पाने के लिए उसने ना दाम, धन, भेद सारी चीज़ें इस्तेमाल कर ली हैं, किसी ना किसी मैजिक का इस्तेमाल भी किया हुआ लग रहा है। तो आपको काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है उस इंसान से, यह ये चीज़ नज़र आ रही है। और आपका पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ में ही है, क्योंकि आपका पर्सन ना जो शारीरिक आकर्षण थर्ड पार्टी की तरफ महसूस कर रहा है ना, वो आपके लिए नहीं कर पा रहा। या तो ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों मैरिड हैं और आपका पर्सन ना इस रिश्ते में कुछ नयापन चाहता था, वो इस पर्सन को नहीं मिला, इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ में है इस वक्त। क्योंकि थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ना दाम, दंड, भेद सारी इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ में नज़र आ रहा है। पर ज़्यादा टाइम तक ये वहाँ रह नहीं पाएंगे, क्योंकि एक जो आकर्षण इस पर्सन को उसकी तरफ महसूस हुआ है ना, कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन अभी भी लगातार आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यह नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। आप देख सकते हैं ये पर्सन उस इंसान के साथ में होकर भी ना आप ही के बारे में लगातार सोच रहा है, क्योंकि एक कन्फ्यूज़न है इस पर्सन के जीवन में जो इस पर्सन को ना अभी भी उस इंसान से बांध कर नहीं रख पा रहा। वो पूरी कोशिश कर रहा है आपके पर्सन को अपना बनाने की, पर आपका पर्सन ना कहीं आपसे जो प्यार करता है ना, जो फीलिंग्स पर्सन के मन में आपके लिए हैं, जो रिस्पेक्ट आपके लिए है ना, वो वहाँ ज़्यादा टाइम तक इस पर्सन को रहने नहीं देगी। यानी कि आपका प्यार इस पर्सन को वहाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने देगा, ये बात भी क्लियर है। अभी आपके पर्सन की आंखों पर ना जैसे कि पट्टी सी बन गई है, वहाँ इसको एक खुशनुमा माहौल मिल रहा है, ये लोग इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मूवमेंट जो है क्रिएट करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ में। तो पूरी तरह से इस पर्सन को पाने की कोशिश में लगी हुई है और यही वो वजह है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचने के बावजूद ना आपकी तरफ मुड़कर नहीं देख रहा। ये पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आएगा, ये बात भी क्लियर है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, भले ये पर्सन कितना भी आपसे दूर रहने की कोशिश कर ले, इसे आना आप ही की तरफ है, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करता है। आप इस पर्सन के लिए क्या हैं शायद ये अभी तक ना आप भी नहीं जान पाए हैं। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। पर इस वक्त जो एक कन्फ्यूज़न इस पर्सन के दिल दिमाग में है कि इस पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ में जो कनेक्शन फील हो रहा है, क्या ये एक रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन है इसमें, और इस दुविधा में फंस कर रह गया है ये पर्सन, क्योंकि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये रियलाइज़ कराने में लगी है कि वो दोनों एक ही सोल से बने हैं, उन दोनों की आत्माएं एक जैसी हैं, उनके सोचने के नज़रिए एक जैसे हैं, वो दोनों बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, आपको छोड़ दें इस तरह की बातें। और जो चीज़ें भी थर्ड पार्टी कर सकती है ना आपके पर्सन को पाने के लिए, वो सारी चीज़ें कर रही है, पर आपका पर्सन फिर भी उसका नहीं हो रहा। अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, आपके पर्सन ने क्लैरिटी नहीं दी, सोच विचार में ही लगा है कि उसे आपकी तरफ ही वापस आना है या फिर थर्ड पार्टी के साथ रहना है परमानेंट। तो ये सोच विचार लगा है इस पर्सन के दिल दिमाग में। और यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि या तो आपकी एज थोड़ी सी कम है या फिर आपके पर्सन की, यानी आप दोनों में ना एज डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन ना शायद आपको वो खुशी नहीं दे पाया जो शायद आप डिज़र्व करते थे। अभी तक आप दोनों के बीच प्यार तो था, पर हाँ वो एक जो चुंबकीय आकर्षण होता है ना कि बस
अगर आपका पर्सन हो गया है तो वो किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए लॉयल बना रहेगा। वो लॉयल्टी की कमी दोनों के रिश्ते में रही, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने उसका फ़ायदा उठाया है और इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ में ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। पर लगातार ये पर्सन आपके बारे में बातें करता है कि ये आपको धोखा नहीं दे सकते, ज़्यादा टाइम तक ये पर्सन उसके साथ भी नहीं रह सकते। ये पर्सन अगर आपके नहीं है ना तो उसके भी नहीं है, ये चीज़ नज़र आ रही है। पर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी अपना बनाने के लिए ना जो खुशनुमा माहौल उसे प्रोवाइड करा रही है, उसे ट्रस्ट दिलाने की कोशिश कर रही है, काफ़ी सारी खुशियां दे रही है, जो नीड्स हैं आपके पर्सन की वो पूरी कर रही है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो या फिर फिज़िकली नीड्स ही क्यों ना हो, तो इमोशनल लेवल पर भी उसको ना और उस इंसान के दिमाग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। पर ये पर्सन कुछ टाइम तो बहक सकते हैं, उसके जाल में फंस सकते हैं, पर हाँ ज़्यादा टाइम तक ये पर्सन उसके साथ में बंधकर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इतना सब करने के बावजूद भी ना ये पर्सन लगातार सोच विचार में लगा है। इस रिश्ते को इस पर्सन ने अगर अधूरा छोड़ा है ना, इसे कंप्लीट करने के बारे में अभी भी ये पर्सन सोच रहा है, क्योंकि इस पर्सन को कोई भी एक ऐसा रीज़न नहीं मिल रहा आपको छोड़ने का, पूरी तरह से आपसे इस रिश्ते को ख़त्म करने का। तो ये पर्सन इस सोच विचार में लगा हुआ आपको भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये सारे कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपके पर्सन को पाने के लिए थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है, पर आपका पर्सन लगातार आपके बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक दिली अटैचमेंट है आपके साथ में इस पर्सन का, वो फीलिंग्स है इस पर्सन की आपके लिए। जो ये पर्सन वहाँ होने के बावजूद, उसके इतनी कोशिशें करने के बावजूद आपसे पूरी तरह से डिटैच नहीं हो पा रहा, आपसे खुद को जुदा नहीं कर पा रहा, तो ये पर्सन उस इंसान पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। और इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। आपका पर्सन खुशी महसूस कर रहा है, वहाँ काफ़ी हैप्पीनेस मिल रही है उसको, फिर भी इस पर्सन को आपकी याद आ रही है। देख रहे हैं ना यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी, इस पर्सन का मन है आपसे कॉन्टैक्ट करने का, आपसे बात करने का, इन दूरियों को मिटाने का। भले ही ये पर्सन ना दोनों हाथों में लड्डू लेकर खाए, पर हाँ ये पर्सन आपको नहीं छोड़ेगा। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहे होंगे कि छोड़ तो दिया है इस पर्सन ने, दूरियां तो बढ़ा ली हैं, पूरी तरह से कॉन्टैक्ट खत्म करके चला तो गया है थर्ड पार्टी के साथ में, पर तो फिर कैसे आएगा। तो यहाँ पर ना ये पर्सन देख रहे हैं ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है और सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी है, ये पर्सन उसका भी नहीं है, पूरी तरह से उसका नहीं हो पा रहा है। काफ़ी सोच रहा है आपके बारे में, आपके प्यार के बारे में, आपने जो इस पर्सन को इतना सपोर्ट किया है, इतनी केयर की है इस पर्सन की, इतना प्यार दिया है, उन सारी चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोचता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर्सन पर कुछ ना कुछ मैजिक किया गया है, जिसकी वजह से ये पर्सन आ नहीं पा रहा, आपसे फाइट करके चला गया है। पर हाँ, जब इस पर्सन का दिल दिमाग इस पर्सन के कंट्रोल में आएगा ना, थर्ड पार्टी के चुंगल से ये पर्सन निकल पाएगा ना, तो ये पर्सन दौड़े चले आएंगे, भागे चले आएंगे। और क्योंकि ये पर्सन आज भी थर्ड पार्टी से आपके बारे में बातें करता है कि ये पर्सन आपको नहीं छोड़ सकते हैं, थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन ने क्लियर थर्ड पार्टी से बोल दिया है कि ये पर्सन वहाँ हैं, ज़रूर उसके साथ में हैं, अच्छे पल बिता रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, पर आपको भी छोड़ नहीं पाएंगे ये पर्सन। भले ही थर्ड पार्टी को इस मैटर पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपके साथ में, ये चीज़ यहाँ क्लियर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से थोड़ी देर पहले बोल दी है, ये चीज़ नज़र आ रही है। ओके वर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और सभी के साथ में रेजोनेट नहीं कर सकती ये रीडिंग, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का आपको खासकर ख्याल रखना है। ओके व्यूअर्स, अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, लव यू ऑल।